की बंझा उतार, तेरी वीणा की बंझा उतार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान, ऐसा दे मुझको माँ वरदान। पूरे विश्व में जो कलादायिनी कमलनयिनी हंसवाहिनी के रूप से जाना जाती है, वो माँ सरस्वती के चरणों में हमारा शत शत नमन। माँ सरस्वती जो हमारे अज्ञानता के अंधेरों को दूर कर हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाती है, आज हमारी प्रार्थना में भी हम माँ सरस्वती को अपनी ओर ज्ञान का प्रकाश लाने की विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आइए हम भी साथ मिलकर माँ सरस्वती को अपने जीवन में ज्योति का प्रकाश लाने की विनती करें। हे शारदे माँ शारदे, हे शारदे माँ शारदे, अज्ञानता से हमें तार दे, अज्ञानता से हमें तार दे। हे शारदे माँ शारदे, हे शारदे माँ शारदे, संगीत तुझसे तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, शिक्षा का
हमारा अधिकार दे, हे शारदे माँ शारदे, हे शारदे माँ शारदे, अज्ञानता से हमें तार दे, अज्ञानता से हमें तार दे, हमें तार दे, हमें तार दे, हमें तार दे, हमें तार दे। On 13 February, every year World Radio Day is celebrated to remember the unique power of radio that brings people together across the globe. The day was decided by the UNESCO on 3rd November 2011. Every year, UNESCO celebrates World Radio Day by planning activities with broadcasters, organizations and communities around the world. To celebrate the 10th anniversary, this year, World Radio Day's theme is New World, New Radio, which is divided into three main sub-themes: Evolution, Innovation, Connection. Radio was first started to broadcast news at the time of emergency. However, with the change in time, radio has branched out in the form of various FM stations. With the technological advance, the reach of the radio has gained a special place for listeners' lives. Our country is well aware of the radio as the power of the radio medium. Even Prime Minister Narendra Modi has chosen radio as a medium for his Mann Ki Baat program to interact the people of the nation. Thus, it is rightly said that having a radio means you feel never alone. You always have a friend. मैं गौरव आपको आगे की सफर पर ले चलूंगा। दोस्तों, रेडियो की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इसका इतना लंबा सफर रहा है कि आश्चर्य होता है कि इसकी शुरुआत किस तरह से हुई।
और आज ये किस मुकाम पर पहुंच चुका है। अच्छा होगा कि हम उसकी सफर की कहानी स्वयं उससे ही सुने। तो आपके सामने आ रहे हैं रेडियो के रूप में देव भुजानी अपनी सफर की कहानी लेकर। मैं रेडियो हूँ। बीते वक्त में मैं ही इकलौता एंटरटेनमेंट का साधन हुआ करता था। गांव से लेकर शहर तक मैं कितनों की आवाज था, लेकिन वो कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो समय के साथ मैं भी बदलता गया। कभी भारी भरकम और बड़ा सा दिखने वाला मैं छोटा होकर ट्रांजिस्टर बनकर आपके जेब में समाने लगा, और फिर डिजिटलाइजेशन के इस युग में मैं ऐप बनकर आपके मोबाइल फोन में, आपकी स्मार्ट वॉचेस में और आपकी गाड़ी में समा गया हूँ। भारत में रेडियो चैनल्स की शुरुआत 1920 में हुई। 1930 में सरकार ने मुझे भारतीय सेवा प्रसारण का नाम दिया। 1936 में मेरा नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो दिया गया, और 1957 में मेरा नाम आकाशवाणी रखा गया। स्वामी बदला, नया संगीत आता रहा और मेरे अंदर लोगों की रुचि बढ़ती रही, और उनके साथ नींव रखी गई प्राइवेट रेडियो स्टेशन की, और मेरा परिवार बढ़ता चला गया। मैंने वर्ग को बदलते देखा है, मनोरंजन के बदलते साधनों को देखा है, पर एक चीज जो 1920 से 2020 तक आज तक वैसी की वैसी है, वो है लोगों का मेरे लिए प्यार। आज भी मैं लोगों की रग रग में दौड़ता हूँ। मैं रेडियो हूँ। दोस्तों, घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है टाइम है 3 सवाल का, जिसे लेके आ रहे हैं आरजे सोमिया, एंजल, परी और आरव। हेलो दोस्तों, मैं हूँ होस्ट और आपकी दोस्त आरजे सोमिया, और हाजिर हूँ आपका मनपसंद शो लेकर 3 सवाल। तो आज हम हमारे अनजाने गेस्ट से उनकी प्रॉब्लम्स पूछेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है एंजल, परी जी और आदम। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल एंजल से है, जो एक स्टूडेंट भी है। तो बताइए एंजल, आपने इस लॉकडाउन की पढ़ाई को एंजॉय किया? कौन सा एंजल? ऐसा लगा कि घर में कैद हुए रह गए हैं। स्कूल की तो छोड़ो ही, अपने जान पहचान वाले लोगों के यहाँ नहीं जा सकते, बाहर खेलने नहीं निकले। जल्दी से स्कूल शुरू हो तो जा सकूं और अपने फ्रेंड से मिल सकूं। ओके, थैंक यू एंजल अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। अगला सवाल मेरा परी जी से है। बच्चों की पढ़ाई घर में कैसे चल रही है परी जी? क्या बताऊं, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है। पहले स्कूल तो जाते थे, पर अब तो सोफे पर उल्टे सीधे पड़े ही रहते हैं। कभी घर में मटर गस्ती तो कभी टीवी की रिमोट के लिए झगड़ा। आए दिन होमवर्क न कम्प्लीट करने की शिकायतें आ रही रहती है। मैं तो बस परेशान हो गई हूँ, पूरे दिन बस मोबाइल टीवी। ओके, शांत हो जाइए परी जी। थैंक यू इतना सब बताने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। आखिरी सवाल मेरा आरव से है। तो बताइए आरव, आपको स्टडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम्स एक हो तो बताओ, यह तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। सेशन करने बैठो तो नेट सही नहीं चलता, पीडीएफ करो तो टीचर चुपते हैं। तो क्लासरूम के अंदर बाहर नहीं जाता जितना सेशन में इनर बना रहता हूँ। प्रॉब्लम्स इतनी है कि बेचारा होमवर्क भी कोरोना से बीमार हो गया है। बस बस बस, इतनी प्रॉब्लम्स तो पीएम को भी नहीं होंगी जितनी आपको हो रही है। फ्यूचर के लिए बेस्ट लक। तो दोस्तों, ये थे हमारे गेस्ट। जल्दी ही हाजिर होंगी नए गेस्ट के प्रॉब्लम्स को लेकर। तब तक सायोनारा।
गाइस, मैं हूँ आरजे अर्णव और एक हमारे साथी आरजे तीस ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। वो हर किसी से कुछ पूछ रहे हैं। सवाल बहुत आसान है, कोई दूसरी क्लास का बच्चा उत्तर दे सकता है। क्या सब दे पाएंगे, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, हूँ जो आरजे तीस। मने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवा खूब गमे छे। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણી માતૃભાષા ગુજરાતી છે, એટલે હું થોડાક માણસો પાસે ગયો અને મેં તેમને કકો પૂછ્યો, મેં તેમને કકો બોલવાનું કહ્યું, તો ચાલો જોઈએ। અંકલ, તમારે ગુજરાતી કકો બોલવાનો છે? હા, ક ખ ગ ઘ ચ ઠ ઠ ન ય લ ય। તો બેટા મગજ હવે ખાલી થઈ ગયો છે। ગુજરાતી કકો બોલવાનો છે? એડ નહીં પડે, એડ નહીં પડે। સારી સારી, આઈ તો થોડી કરો। ગ ગ ગ ગ ચ ચ જ મ ન જ જ બે વાર જ જ જ મ ન જ જ આવે જ જ ન જ જ પછી મ ન મ ન ન લકોટો વાહ સકોરો સફાની સસકડી હ અડ અક્ષર ને જ્ઞ સોલે વખત નું છે। સોલે વખત નો સોલે ફિલ્મ જોયું? આ ગબ્બર વખત નો છે। ગબ્બર સિંહ છે અમે। ગબ્બર સિંહ? હા, અમે ગબ્બર સિંહ। ઓકે અંકલ, આપણે ગુજરાતી કકો બોલવાનો છે। ક ખ ગ ચ છ જ જ ટ પછી મને આવડતો હા હાર્દો નથી આવડતો હાર્દો નથી આવડતો એબીસીડી આવડે એબીસીડી તો ના આવે અર્ધો બોલી લઈએ તો લાગતો તો મોટર મારી જાય ને પાંચમી માં હલશે ને મસ્તી ની કરો તો દ્વારકા થી બે દ્વારકા હુડી માં મજા ન થતી એટલે મેં કીધું કે તમે પાણી મોટર બનાવો ને મોટર બનાવો ને પાણી મોટર બનાવો ને પાણી માં હાલે ને તમારી મોટર હા તો આપડે હું કે આપડે હુડિયા માં જાવું નહીં પાણી માં બેસી ને એમ તો કે ફોર વ્હીલર લઈ ને આવે છે વાતકરતી બે વર્કા મારું રોજ નું અપડાઉન છે પાણી ની એકલી પાણી માં હાલે ને તમારી
બધી મોટા તો રોડ ઉપર હાલે સ્પીડ બ્રેકર નડે પાણી ને અંદર આ માઇલી જાય ચાર પૈડા વાળી ટક ટક લક કરતી અરે ભાઈ ચાર પૈડા વાળી ન હોય કોને નંબર લગાવ્યો છે તમે દીપકભાઈ બોલે આ તો સબમર્સિબલ ની યાર એક સબમરીન બનાવી દો તો આપડે હાઈલા રાખીએ પાણી માં આપડે ઓલી મોટર ગાડી નથી હાઈલી જાય આપડે હુડિયામાં જવું નહી અરે તમે ખબર છે પાણી ની મોટર અમે સબમર્સિબલ બનાવી છે આપડે આપણને એકાદ આમ બનાવી દો ને કઈક મસ્તી ને આમ આપડે એમાં વયા જાય તો એક જ સબમરીન બનાવી દો તો આપડે યુદ્ધ બુદ્ધ કોઈ આરે નહીં કરી એકાદ આમ બનાવી દો ને મસ્તી ની એકાદ આમ કઈક અરે ના ના દીપકભાઈ દીપકભાઈ તમારો નંબર મને આપ્યો દીપકભાઈ તમારો નંબર મને પ્રતિકભાઈ આપ્યો તો હું આજે વી બોલું છું TGS આકાશવાણી કેન્દ્ર માંથી મેરી તરફ થી રિક્વેસ્ટ હૈ કે આજે વીર યે પ્રેસ કિસી ઓર કે સાથ ના કરના વરના હસતે હસતે સભી લોગો કો પેટ મે દર્દ હોને લગેગા અબ આગે આપકો આજે રણવીર લેકર જાયેંગે હે ગાઈસ પોઈન્ટ ટુ ચર્ચા કે બિના યે એસેમ્બલી અધૂરી હૈ સો લેટ્સ ગો ટુ એશી શેર એન્ડ લિસન વોટ હી વોન્ટ્સ ટુ શેર વિથ અસ શુક્રિયા રણવીર દોસ્તો પોઈન્ટ ટુ સોચો કે ઇસ કડી મે મેં એક બાર ફિર સે આપ સબકે સમક્ષ એક કહાની લેકર પ્રસ્તુત હુઆ હું ઇસ કહાની મે એક રાજા અપને હી રાજ મે અપને કુછ સૈનિકો કે સાથ બારિશ કે મૌસમ મે ભ્રમણ કર રહા હોતા હૈ અચાનક મૂસલાધાર વર્ષા શરૂ હો જાતી હૈ ઇસ મૂસલાધાર વર્ષા કે હોને સે રાજા અપને સૈનિકો સે બિછડ જાતા હૈ રાજા ભટકતે હુએ આગે કહીં નિકલ જાતા હૈ चलते चलते वह एक जगह पे पहुंचता है वहां उसे तीन लड़के खेलते हुए नजर आते हैं वे लड़के जब उस राजा को देखते हैं तो तीनों के तीनों बिना कुछ कहे ही अपने घर की ओर भाग जाते हैं वे अपने घर से कुछ खाना और पानी लेकर आते हैं राजा उस खाना और पानी को ग्रहण करता है और उसके बाद उन तीनों बच्चों पे बहुत प्रसन्न होता है वह उन तीनों बच्चों से कहता है बच्चों मैं आप तीनों से बहुत प्रसन्न हूं आपने मेरी बहुत सहायता की है इसलिए मैं भी आपकी सहायता करना चाहता हूं बताइए आपकी क्या इच्छा है उसमें से पहला लड़का बोलता है महाराज मैंने बहुत गरीबताई देखी है मैं बहुत गरीबी में जी रहा हूं इसलिए मैं बहुत सारा धन चाहता हूं महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जिससे तुम पूरा जीवन धनवान होके गुजार सकोगे दूसरे बच्चे की जब बारी आती है तो वह कहता है महाराज मैं एक झोपड़े में रहता हूं तो मुझे एक आलीशान बंगला और एक घोड़ा गाड़ी दे दीजिए महाराज उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देते हैं जब तीसरे बच्चे की बारी आती है तो वह बच्चा कुछ सोचकर महाराज के पास हाथ जोड़ के जाता है और कहता है महाराज मुझे ना धन चाहिए ना घोड़ा गाड़ी और ना ही बंगला मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं शिक्षित होने के बाद अपने देश की सेवा कर सकूं महाराज उस बच्चे पर बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं वह उस बच्चे के लिए उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और वह बच्चा बहुत विद्वान बनता है
आगे चलकर वह बच्चा उसी राजा के अंतर्गत उसी के राज्य में एक मंत्री पद को प्राप्त करता है। एक दिन राजा सोच ही रहा होता है कि उसे वो घटना याद आ जाती है। वह उसी मंत्री को बुलवा भेजता है और कहता है, मुझे तुम्हारे उन दो मित्रों की याद आ गई, तुम कल भोज पर उनको भी आमंत्रित करो। और मंत्री इसका अनुसरण करते हुए अपने उन दो बिछड़े मित्रों को अगले दिन भोज पर आमंत्रित करता है। राजा उन तीनों को एक साथ देखकर बहुत प्रसन्न होता है और राजा बोलता है, मैं आज तुम तीनों को एक साथ देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन मैं तुम तीनों से पहली बार मिला था। उसमें से जो पहला लड़का था वो सामने आता है, राजा के सामने आता है और हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत लज्जित हूँ, मुझे उस दिन आपसे धन नहीं मांगना चाहिए था, क्योंकि उस धन को प्राप्त करने के बाद कुछ ही दिन बाद चोर उस धन को मुझसे चुरा कर ले गए और मैं फिर से गरीब हो गया। इसके बाद दूसरा लड़का सामने आता है और वह भी बोलता है कि महाराज मैं भी आपसे बहुत लज्जित हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे भी आपसे बंगला और घोड़ा गाड़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, एक बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं फिर से गरीब हो गया। तो दोस्तों यह आप सोचिए, तीनों लड़कों में लाभ किसको हुआ? उस लड़के को जिसने धन वैभव और आलीशान बंगला ना मांगकर शिक्षा मांगी, या उन लड़कों को जिन्होंने धन वैभव और आलीशान बंगला मांगा? सोचो, जरा सोचो। थैंक यू सर इस मैसेज के लिए। मेरे दोस्तों, देश से ज्यादा आदरणीय कोई नहीं होता। राजा आते हैं, चले जाते हैं, शासन आते हैं, चले जाते हैं, पर देश हमेशा सर्वोपरि रहता है। सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए। असेंबली सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्राम। तो दोस्तों, एट द एंड में सभी टीचर्स, सभी पार्टिसिपेंट्स और म्यूजिक टीम का धन्यवाद करता हूँ और आप सबका विदा लेते हुए ये कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। दरेक मनुष्य ना जीवन नो रथ सुख अने दुख ना बे पैड़ा पर चाले छे, अने आ रथ ने हाँकनारो ईश्वर हरी छे। पछी सुख आपे तोय भले अने दुख आपे तोय भले। आवत सुंदर शब्दों हरी हड़वे हड़वे हंकारे आ भजन मां प्रस्तुत छे। ए भाई रे हरे हड़वे हम तारे मारो गाड़ू भरेल भारे ए मारो गाड़ू भरेल भारे मैं तो लगाम दी थी हाथ हरिन मैं तो लगाम दी थी हाथ हरिन हरि चाहे तो पार उतारे हरी हरी।
भाई रे भाई रे ए भाई रे कई ककर ने कुसुम कटाने पेट नु बाप पुकारे सपना जेवी मुड़ी नदी दे आवे हा